हेलो बच्चों, आज हम लोग काव्य मंजरी के कबीर दास की साखी के सेकंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को कबीर दास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों ही बता दिया था, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सहायक है। जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें आपके सहायक होगा वो। और पांच जो आपके दोहे थे उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें ताकि उसके संबंध में उन्हें संपूर्ण जानकारी हो जाए। और नेक्स्ट फिर आज हम लोग सेकंड पार्ट में जो बचे हुए पांच दोहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और साथ ही साथ उदाहरण के रूप में मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगी जिसका उत्तर लिखने का जो ढंग है उसे भी बता दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके उत्तर किस ढंग से लिखने हैं आपको, इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला आपका दोहा है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसऊं तो राम बिसाई, मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुड़ काठ ही खाई। ठीक है, यहाँ पर कबीर दास जी जो हैं वो आत्मा जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन नहीं हो पा रहा है, उसकी जो विरह की स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो बल का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, और घटई का अर्थ होता है क्षीण होना या कम होना। रिसाई का अर्थ होता है नाराज होना, और बिसूरना का अर्थ होता है चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है, ज्यों घुड़ काठ ही खाई, यानी जिस प्रकार घुन लकड़ी को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया बच्चों। इस दोहे में कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि जब विरहणी आत्मा अपने परमात्मा से नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे दुख होता है, और दुख की स्थिति में क्या होता है कि वो रोता रहता है। तो रोने से क्या होता है, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है, घट जाती है, उसके बल जो हैं घट जाते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं रोता हूँ, आत्मा जीवात्मा जो है वो परमात्मा से न मिल पाने के कारण दुखी होकर के अगर वो रोता रहता है तो उसका जो बल है, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर वो हंसता है, हंसऊ तो राम रिसाई, यानी अगर वो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं हंसता हूँ तो क्या होता है, मेरे राम मेरे ईश्वर परमात्मा जो हैं वो मुझसे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर जब रूठ जाते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी चाह तो वही है कि उसके परमात्मा उसे मिल जाएं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो मन ही मन जो है वो सोचता रहता है, यानी चिंता करता रहता है, और चिंता करने के कारण इसकी जो चिंता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसका जो मन है वो खोखला हो गया है। जिस प्रकार से घुन जो है, एक प्रकार का कीड़ा जो है वो काठ मतलब लकड़ी को खा जाता है, यानी जो कीड़ा होता है घुन दीमक, वो धीरे धीरे लकड़ी को अंदर ही अंदर खाता जाता है और खोखला हो जाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, अपने परमात्मा से न मिलने के कारण दुखी हो करके सोचते सोचते उसका मन जो है वो पूरी तरह से खोखला हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो स्थिति है, आत्मा की जो स्थिति है, जीवात्मा की जो स्थिति है, अपने परमात्मा से न मिलने के कारण वो बहुत ही बेचैनी वाली है, बहुत ही दुखद है। इसलिए क्योंकि जब संसार में वो आए, संसार में जो सांसारिक जो कर्मकांड हैं, जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, सुख सुविधाएँ हैं, उन सब चीज़ों को देख करके उनमें वो कह सकते हैं ना कि जब ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्न रास्ते हैं, उन विभिन्न रास्तों पे चलने पर उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस दुख में वो निरंतर क्या हो रहे हैं, रो रहे हैं। अगर वो बैठ करके रोते रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। लेकिन अगर वो सांसारिक सुखों को
लाभ उठाते हैं, सांसारिक सुखों को का आनंद उठाते हैं, उसमें रम जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी उन्हें दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी इच्छा जो है वो क्या है, वो परमात्मा से मिलन की है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है। तो उसमें वो सोचते रहेंगे, दिन रात वो सोचते रहेंगे कि किस विधि से हम मैं अपने परमात्मा तक पहुंच सकूं, परमात्मा से मिल सकूं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सोचते सोचते जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी होते हैं, हम चाहते हैं कि वो कार्य हो जाए, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाते, उस सही दिशा का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम उस चीज़ के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। ठीक है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो सोचते सोचते हमारा मन, हमारी आत्मा जो है बहुत दुखित हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा के मिलन सुख को नहीं प्राप्त कर पा रही है, इससे वो दिन रात घुलती जा रही है, सोचती जा रही है, जिसके कारण उसका मन खोखला हो गया है। जिस प्रकार से घुन जो है, दीमक जो है, लकड़ी को खोखला कर देता है, यानी कबीरदास जी का मन, उनका शरीर जो है पूरी तरह से वो शक्तिहीन हो गया है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसी कौन सी राह मिले, ऐसी कौन सी विधि मिले, उससे उनको अपने परमात्मा की प्राप्ति हो सके। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका पद है, दोहा है आपका, पर्वती पर्वती मैं फिरिया नैन गवाए, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवनी हुई। यहाँ पर पर्वती का अर्थ होता है बच्चों पर्वत, ठीक है, पहाड़। और फिरिया, फिरिया यानी फिरना, चलना फिरना। नैन का अर्थ होता है नेत्र। और गवाए, गवाए मतलब खो दिया, ठीक है। और बूटी, बूटी क्या होती है, औषधि होती है, जो ऐसी वनस्पति जो कि जंगलों में, पर्वतों में मिलती है। ठीक है, कबीरदास जी यहाँ पर परमात्मा से मिलन की ही बात कर रहे हैं, और किस प्रकार से एक भक्त जो है अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से वो बेचैन होता है, उसकी जो प्रतीक्षा में उसके मिलन सुख को पाने के लिए वो किस किस साधन को अपनाता है, फिर भी उसे सुख नहीं मिल पाता, उसकी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पर्वती पर्वती मैं फिरिया, यानी पर्वत पर्वत पर जा करके मैं घूमता रहा, विचरण करता रहा, और ऐसा करते हुए इस यात्रा में मुझे बहुत कष्ट का भी अनुभव हुआ। यानी पर्वतों पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे घने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उसमें यात्रा, उस यात्रा में भी कष्टकारी अनुभव होगा आपको। और नैन गवाए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सोचते सोचते क्या होता है, दिन रात वो आत्मा जो है, जीवात्मा वो रो रही है। रोने के कारण क्या होता है, आँखों की जो रोशनी है, आँखों की जो देखने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। यानी नैन गवाए, आँख जो है वो खो रहे हैं, उसके रोशनी खो रही है। सो बूटी पाऊँ नहीं, ऐसी यानी इतनी जो यात्रा जो है वो कष्टकारी यात्रा को झेलने के बाद भी ऐसी कोई औषधि अभी तक मुझे नहीं मिली, यानी जिससे जाते जीवनी हुई, यानी जिससे जीवन की प्राप्ति हो सके, यानी मेरा जीवन जो है वो ईश्वरमय हो सके। ठीक है, पर्वत पर्वत फिरता रहा, नैन भी हमारे जो है उसकी रोशनी चली गई आँखों की, और कमज़ोर पड़ गई आँखों की रोशनी, और तब भी मुझे ऐसी कोई बूटी उस पर्वत पर नहीं मिली जिससे कि मुझे जीवनी, जीवनदायिनी बूटी हम मुझे नहीं मिली जो ईश्वरमय मेरे जीवन को बना सके। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब पर्वत पर में जाइए, जंगल में जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बड़े बड़े घने जंगलों में बहुत सारे औषधि होती हैं, जो असाध्य जो रोग होते हैं उनके लिए वो लाभकारी होती है। तो पर्वतों में जाकर के वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने परमात्मा को, उस परम सुख को, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परम ब्रह्म को प्राप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवात्मा जो है वो सांसारिक जीवन के आवागमन से मुक्त होती है। ठीक है, तो इसी
इसी की प्राप्ति के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पर्वत पर्वत में गया और इतनी कष्टकारी यात्रा का अनुभव मुझे हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि मैं रोते रोते मेरे नैन चले गए, मेरे आंखों की रोशनी छिड़ हो गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी बूटी नहीं मिली। यानी कोई बूटी क्या होती है, एक औषधि होती है जो कि असाध्य रोगों की उपचार में काम आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके उपचार में बूटियां जो हैं वो काम आती हैं, औषधि काम आती है, जो वनस्पति है वो काम में आती है, लेकिन मुझे ऐसी कोई बूटी नहीं मिली, ऐसी कोई असाधारण बूटी नहीं मिली इससे कि मुझे मेरे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, मुझे मेरा जो जीवन है वो ईश्वरीय देन वाला हो जाए, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई भी औषधि नहीं मिली। यानी कहने का यहाँ कह सकते हैं कि बाह्य आडंबर का भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बाह्य आडंबर करते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग, उन पर क्योंकि उस समय का जो समय था वो हिंदू मुसलमान की जो धार्मिक भावनाएं थी वो उनमें मतभेद था। ठीक है, वो बाहरी जो कर्मकांड है उस पर भरोसा करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहीं ना कहीं ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि विभिन्न कर्मकांडों का उपयोग कर लिया जाए, विभिन्न साधन अपना लिए जाएं, लेकिन ईश्वर जो होते हैं वो मन में होते हैं, हमारे भीतर ही होते हैं। सच्चाई के साथ जब हम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं, अपने भीतर योग की अलग जलाते हैं, तो ईश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मुझे किसी भी दशा में कोई भी विधि से मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, कोई भी ऐसी बूटी, ऐसा वनस्पति ऐसी नहीं मिली, ऐसी औषधि नहीं मिली जिससे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, कोई भी ऐसा साधन मुझे नहीं मिला। ठीक है, आगे है बच्चों आपका दूसरा दोहा है, आया था संसार में मैं देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। यहाँ पर देशण का अर्थ होता है बच्चों देखना, और नजरी मतलब नजर पड़ना या दृष्टि पड़ना, और अनूप का अर्थ होता है अनुपम ब्रह्म। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो सांसारिक माया मोह में फंसे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहे हैं और सतगुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आया था संसार में, यानी मैं इस संसार में, इस संसार की जो विविध रंग बिरंगी जो चीज़ें हैं, विविधता है, उसको देखने के लिए आया था, और देशण को बहुरूप, यानी मैं इस संसार की जो विविध रूप हैं, जो साज सज्जा है, जो रंग रंगीन दुनिया है, चमक धमक है, उसको मैं देखने के लिए आया और उसकी तरफ मैं आकर्षित भी हुआ। यानी संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जो आकर्षण है उसमें सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उसके प्रति वो आकर्षित होता है और उसका सुख लाभ लेता है। एक सामान्य मनुष्य ऐसा ही करता है। ठीक है, तो यही बात वो कहना चाहते हैं कि मैं संसार में आया था उसके विविध रूपों को देखने के लिए और मैं इन सारी विविध रूपों को देख करके उसकी तरफ आकर्षित भी हुआ। कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे सतगुरु का की जो दृष्टि है वो जब मुझ पर पड़ी, मैं तो सांसारिक सामान्य मनुष्य की तरह जी रहा था, लेकिन जब मेरे ईश्वर, मेरे सतगुरु की, मेरे जो गुरु हैं उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, यानी उनकी कृपा मुझ पर हुई, तो उन्होंने जो ज्ञान मुझे दिया उस ज्ञान के प्रकाश से मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई जिसके कारण उनकी जो अनुपम दृष्टि है, जो मेरे गुरु हैं उनकी दृष्टि पड़ने पर मुझे अनूप अर्थात यानी अनुपम ब्रह्म की प्राप्ति हुई, यानी परम सत्ता की प्राप्ति हुई। यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि सतगुरु जो है वो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग दिखाते हैं वो सत्य का मार्ग होता है, मोक्ष का मार्ग होता है। ठीक है, हमारे जो शिक्षक हैं, एक
अच्छा शिक्षक जो है अपने जो शिष्य है उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करता है जिससे कि वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो यही बात यहाँ पर कबीर दास जी भी कहना चाहते हैं कि मैं तो इस संसारिक माया मोह के बंधन में फंसा हुआ था, मैं इस संसारिक की जो आकर्षण है उसको ही देख रहा था, उसमें ही खुश था, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मुझे गुरु मिले और गुरु ने मुझे उस ज्ञान परम ब्रह्म का ज्ञान दिया, मेरे भीतर की अज्ञानता का नाश कर दिया, तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे मैंने परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया वो प्रयत्न जो है मेरे भीतर का जब अज्ञान मिट गया तो परम सत्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि सांसारिक जो विविधताएँ हैं अभी तक तो मैं ही सोच रहा था कि यही सबसे अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन जब गुरु ने बताया कि परम ब्रह्म जो हैं यानी पूरे ब्रह्मांड में सत्य क्या है, वो सत्य है ब्रह्म ईश्वर राम, ठीक है, तो उनकी जब प्राप्ति हो गई तो और कुछ पाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा जो सुख है वो परम ब्रह्म की प्राप्ति का है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सतगुरु ने मुझे जो रास्ता दिखाया उससे मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई। आगे कबीरदास जी कहते हैं अगले दोहे में कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही, ठीक है। यहाँ पर मैं का अर्थ होता है बच्चों अहंकार, ठीक है, अहंकार अहम जो हमारे भीतर है मैं की भावना, हरि का अर्थ होता है भगवान, ठीक है, और अंधियारा, अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं दीपक यहाँ पर गुरु के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब यहाँ पर भी सतगुरु की महिमा और अहम के नाश का ही वर्णन कबीरदास जी कर रहे हैं और कहते हैं कि जब मैं था यानी जब जीवात्मा के भीतर यानी मेरे भीतर मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, परम ब्रह्म परम सत्ता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, अब हरि है मेरे मन में और मैं नाहीं, यानी जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है, अज्ञान का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है और परमात्मा ही वास करने लगते हैं, तो अहम का नामो निशान ही नहीं रहता, वहाँ पे सारी जो दूषित चीज़ें हैं वो उसका नाश हो जाता है, मन में अहंकार घमंड की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखया माई, यानी ऐसा मेरे साथ कब हुआ, जब मुझे मेरे जो दीपक हैं यानी मेरे जो गुरु हैं सतगुरु हैं वो उन्होंने मुझे देखा, मुझे ज्ञान का दीपक दिया, उस ज्ञान के दीपक से परम ब्रह्म के ज्ञान का जो दीपक उन्होंने दिया उससे मेरे मन का जो अज्ञान था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधेरा था यानी सांसारिक माया मोह के बंधन में मैं फंसा हुआ था उसे ही सच मान रहा था और अपने आप को ही सब कुछ मान रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब सतगुरु ने मुझे सही रास्ता दिखाया, अज्ञान ज्ञान का प्रकाश दिया, तो ऐसी स्थिति में मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया, अहंकार की भावना समाप्त हो गई और हर तरफ मुझे जो है सिर्फ ईश्वर दिखाई देने लगे, मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया, यानी सब जगह केवल ईश्वरमय हो गया, मेरा जो मन मस्तिष्क है मेरी जो काया है वो ईश्वरमय हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अहंकार के नाश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा आपका दोहा है, तन को जोगी सब करे मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी होई, ठीक है। यहाँ पे तन का अर्थ होता है शरीर और जोगी, जोगी यानी योगी जो संत महात्मा लोग होते हैं, और विरला, विरला का अर्थ होता है बिरले ही यानी कि बहुत ही कम जो हो दुर्लभ जो चीज़ें हैं उसके लिए, सहजई का अर्थ होता है यानी सहजता से जो मिल जाए। यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं वो फिर से यही कहना चाहते हैं अध्यात्म की प्राप्ति यानी परम ब्रह्म की प्राप्ति की बात कर रहे हैं।
यानी जो कर्म कांड है, बाहरी जो विभिन्न प्रकार के जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करे। इस संसार में आने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो तन से जोगी तो सभी कर लेते हैं, यानी क्या करते हैं संत महात्मा लोग, क्या करते हैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, मोतियों की माला पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, ये सब करके वो क्या करते हैं, वो बाहरी रूप से एक बन जाते हैं योगी संत महात्मा। लेकिन मन को विरला कोई, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मन से अपने आप को योगी योग धारण कर ले, जो इस सांसारिक माया मोह में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, अपने योग को जागृत करके परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसा मनुष्य बहुत ही दुर्लभ होता है। सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी होए, यानी सब कुछ मिल सकता है अगर जो भी विधि है, यानी सहज विधि जो अध्यात्म है, जो जितने भी विभिन्न प्रकार की विधियों को हम प्राप्त करके हम क्या करते हैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है। सारे जितने भी असाध्य चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारी हो सकती हैं अगर हम मन को जोगी कर लें, ठीक है। यानी हमारा मन अगर जोगी हो जाए, दिखावा हम ना करके अपने मन को जोगी कर लें, तो असाध्य से असाध्य चीज़ें भी हमारी हो जाएंगी। सारी विधियां जो हैं बहुत ही सरल हैं और सहजता से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ही आसानी से। जितने भी साधन हैं वो सभी व्यर्थ हो जाएंगे, केवल अपने मन को जोगी कर लेने से हम परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर दास जी बच्चों कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य संसार में आता है तो सांसारिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़ता है, उसको ही सुख भोगता है, लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ढूंढते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य जो आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, उसको कोशिश करते हैं करने की, बहुत सारी विधि के अनुसार वेद शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से करते हैं। बहुत से लोग जो है गेरुआ वस्त्र पहन के तिलक छापा लगा करके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन मन उनका अगर दूषित है, मन में अगर पाप है तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। यानी मन को अपने पवित्र करना है, निश्चल करना है, तो सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ईश्वर की प्राप्ति जो है बहुत ही सहजता से हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम मन को अगर अपने वश में कर लें, अपने इंद्रियों को वश में कर लें, तो निश्चित रूप से हम इस संसार में रहते हुए, इस सांसारिक जीवन को जीते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि कबीर दास जी जो हैं एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति थे, जो अपने जो गृहस्थी का था सुख था वो भी एक तरह से वो उस चीज़ में रमे हुए थे, जुलाहे थे और जुलाहे के कार्य में भी लिप्त थे वो, यानी कह सकते हैं कि जुलाहे का भी कार्य वो कर रहे थे और अपनी जो जिम्मेदारियां थी उसको भी निभा रहे थे। इसके बाद भी उन्हें अध्यात्म की प्राप्ति हुई, उनका मन जो है मन से वो योगी थे, मन के योगी थे, इसलिए उन्हें अध्यात्म की प्राप्ति हुई, अध्यात्म परम जो ईश्वर हैं उनकी प्राप्ति हुई। तो कबीर दास जी जैसे जो बिरले लोग हैं, जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने मन को योगी बना करके, मन से योग धारण करके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राजा जनक थे, गुरु नानक थे, ये लोग क्या थे, वो समाज में रहते हुए भी अपने मन को इतना उन्होंने पवित्र कर लिया था कि मन की पवित्रता से उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको ये सारे जो दोहे हैं इसको, इसके एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ आपका जो जितने भी दोहे थे उसकी एक्सप्लेनेशन समाप्त हो गई। और एक उदाहरण के रूप में मैं आपको एक प्रश्न बता रही हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी हो जाए, क्योंकि अभी तक आपके 10th स्टैंडर्ड में दूसरे तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे, अब आपको थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है चीज़ों को और बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बहुत कठिन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहती हूँ।
एक प्रश्न है बच्चों कि साखी से क्या अभिप्राय है, कबीर की साखियां उनके मन के भावों की सच्ची गवाह किस प्रकार हैं, साखी पाठ के आधार पर स्पष्ट किए। जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अधिकतर ऐसे ही पूछे जाएंगे जो कि पाठ के आधार पे आपको देना है। और यहाँ पर कबीरदास की साखियाँ जो हैं मन की सच्ची गवाह हैं, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आपसे कहा था कि साहित्यिक परिचय आपको ज़रूर ध्यान से समझना है, तो उसे ज़रूर ध्यान से समझिए, उससे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको बच्चों। यहाँ पे है, पहला है साखी से क्या अभिप्राय है, यानी साखी का अर्थ क्या होता है। तो कभी यहाँ पर बच्चों उत्तर है आपका, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव है। साखी का अर्थ होता है गवाह या साक्षी, ठीक है, गवाह या साक्षी, जिसे जिसने स्वयं आँखों से तथ्य को देखा हो, भली प्रकार समझी हुई बात। ठीक है, ये था आपका अर्थ जो है साखी का। और संतों के द्वारा अभिव्यक्त कल्याणकारी पदों को भी साखी कहते हैं। जिस ज्ञान को संतों ने अपने दैनिक जीवन में भली भांति समझकर और निज की कसौटी पर कसकर पदों में व्यक्त किया है वह साखी के रूप में है। इनमें तत्व ज्ञान कराने की क्षमता होती है, क्योंकि संत को जीव ब्रह्म एवं जगत के संबंध में जो आत्मानुभूति होती है उसे वह साखियों में प्रकट कर देता है। कबीर ने अपनी साखियों में अनेक प्रकार के ज्ञानात्मक भावात्मक और आध्यात्मिक तत्वों को उद्घाटित किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बता दीजिए कि साखी किसे कहते हैं और कबीर दास जी की साखी का क्या मतलब है। फिर दूसरा प्रश्न है, कबीर की साखियां उनके मन के भावों की सच्ची गवाह हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों में कबीर दास जी का मुख्य स्थान है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु संन्यासियों से ग्रहण की, जिनका संचय उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी की आज्ञा से किया। माया जीव और ब्रह्म आदि का परिचय उन्हें शास्त्रों के अध्ययन द्वारा नहीं अपितु मौखिक परंपरा से प्राप्त हुआ, क्योंकि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। केवल साधु संतों की सत्संगति में ही यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। अपनी कविता में उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण सूफी संतों के प्रभाव से किया और इस प्रकार अपना अलग ही पंथ चलाया। कबीरदास जी की साखी में उनके व्यक्तित्व के साथ ही साथ उनके मन की भावनाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप अपनी बात को रखिए, ठीक है, डिटेल करिए उसको, इस तरह से ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। बच्चों मैं आपको पूरा स्क्रीन करती जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर कहीं आप किसी जगह आप इसे नोट भी करते चलिए। सतगुरु की महिमा आप पॉइंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो कबीर ने सतगुरु की महिमा का वर्णन बार बार अपने काव्य में किया है। उनका मानना है कि गुरु ही भक्त या जीव को ईश्वर या परमात्मा का दर्शन कराता है, वही उसे दर्शन के योग्य बनाता है। परमात्मा के दर्शन के योग्य बनाने हेतु सर्वप्रथम वह भक्तों को दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने जब ज्ञान का दीपक उनके हाथ में दिया तभी उन्हें सच्चे मार्ग के दर्शन हुए। और उसके बाद आपको चूंकि पाठ पुस्तक के आधार पर आपको अपनी बात को कहना है, तो जो दोहे हैं उसको उदाहरण स्वरूप आप लिखते चलिए, तो उससे क्या होगा कि आपका उत्तर जो है काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा और आपको एक्सप्लेन करने में यानी डिटेल करने में आपको सहायता होगी किसी भी उत्तर को। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों ही जो पद हैं, जो भी दोनों दोहे हैं, दोहों की जो दोनों लाइनें हैं बच्चों, अगर दोनों नहीं याद हो पा रही हैं आपको, तो आप किसी एक पंक्ति को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही लिखना है, अगर दोनों लिखते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है। बहुत इजी भी कबीरदास जी के दोहे हैं, लेकिन नहीं भी याद होते हैं तो आप एक एक पंक्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी पुस्तक में ही है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। ठीक है, नेक्स्ट फिर कबीरदास जी आगे कहते हैं कि वे इस संसार में उसके विविध रूपों को देखकर संसार की विविधता से भी आकर्षित हुए, किंतु सौभाग्य से उन्हें सतगुरु मिल गए, जिनके मिलने से उनका जीवन सफल हो गया, जिनकी कृपा से उनका अनुपम ब्रह्म से संयोग हो गया। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। ठीक है,
सदगुरु ने ज्ञान दिया। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कबीर ने लोकाचारों तथा वेद विहित मान्यताओं का पुनः अवलोकन किया तथा उसमें से जो उन्हें सही लगा उसे अपनाया तथा शेष को नकार दिया। कबीर का मानना है कि गुरु की महिमा ईश्वर से भी अधिक है क्योंकि उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है। दूसरा आपका जो पॉइंट है ये परमात्मा की प्राप्ति, जो कि साखी की विशेषता है। कबीर बार बार कहते हैं कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इस मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु वे हरि भजन तथा प्रभु भक्ति का अवलंब ग्रहण करने को कहते हैं। कबीर स्पष्ट कर कहते हैं कि यह मानव जीवन बार बार नहीं प्राप्त होता, इस योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि मानव न चेते तो उससे बड़ा अभागा कोई और नहीं होगा। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का दीपक दिया जिससे मन का अंधेरा मिट गया। जिस तरह अंधेरी रात को दीपक की रोशनी चीर डालती है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान से मन का अंधेरा अज्ञान मिट गया और उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे पंक्तियों को आप उदाहरण के रूप में लिखते जाइए, कोट करते जाइए, तो उससे आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर है ईश्वर के ज्ञान से व्यक्ति का अहम मिट गया। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप भी सत चित्त और आनंद है। ज्ञान के प्रकाश से आराधक भी ईश्वरमय हो जाता है। कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु के मिलने से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, उन्हें प्रेम का मार्ग मिला। जब प्रेम का बादल कबीर के मन में बरसा तब आत्मा अंदर तक प्रेम जल से सिंचित हो गई और मन रूपी जंगल से प्रेम से भीग गया और हरा हो गया। अर्थात ईश्वर के प्रेम से आत्मा सराबोर हो गई और मन शरीर सब रोमांचित हो गया। और इसके उदाहरण स्वरूप आप पंक्ति दे दीजिए कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसैया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। ठीक है, तो आपकी पुस्तक में साखी में जो भी दोहे हैं उसकी पंक्ति उदाहरण स्वरूप आप देते चलिए और साथ ही साथ आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिखते चलिए। बहुत ईजी है उत्तर देना, सिर्फ थोड़ा सा आपको साहित्यिक विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए, फिर आप दोनों को ऐड करते हुए एक क्रम में अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, इजीली आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका परमात्मा ही सत्य है। इस संसार में एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वह जीव को उस परमात्मा रूपी महासमुद्र से निकली हुई बूंद के समान तथा पानी से बनने वाले हिम के समान मानते हैं। कबीरदास जी नाम स्मरण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग देखते देखते उनकी दृष्टि मंद पड़ चुकी है। राम को पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ गए हैं और फिर भी राम नहीं आए, अतः उन्हें आभास हो गया कि राम को पाने के लिए उन्हें और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। और यहाँ पर आप दो उदाहरण दे दीजिए दोहे का, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है उसे मिलन सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जीवात्मा को रात दिन कभी सुख नहीं मिलता। परमात्मा को अलग हो करके आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती रहती है और अपने प्रिय से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। उसका प्रिय कोई और नहीं अपितु श्री राम है जो घट घट में रहने वाले हैं। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं बासुरी सुख ना रैणी सुख ना सुख सुपने माही, यानी कहीं भी आत्मा को परमात्मा के बिना चैन नहीं मिल रहा है। कबीरदास जी का मानना था कि परमात्मा की खोज में उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, पर्वतों की यात्रा करनी पड़ी जो बहुत ही कठिन है, और रात दिन परमात्मा से मिलने के लिए रोते रोते उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गईं। परंतु बहुत घूमने फिरने के बाद भी पर्वतों पर मिलने वाली बूटी नहीं पा सके, अर्थात वह रहस्य नहीं प्राप्त कर सके जिससे उनका जीवन ईश्वरमय हो जाए। कबीरदास जी व्यवसाय से एक जुलाहे थे, वे अपना व्यवसाय करते हुए ईश्वर प्रेम में लीन रहते थे। कबीरदास ने शरीर से नहीं मन से योग धारण किया था। उनके अनुसार घर छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहन करके इधर उधर भटकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए थे, ये मन जोगी होए। ठीक है,
अब सिर्फ उदाहरण देते चलिए और एक्सप्लेनेशन को आप एक्सप्लेन करते चलिए, बस बहुत इजी है आपको उत्तर देना। कबीरदास जी बाह्य आडंबर को छोड़कर एकमात्र सत्य परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसका ज्ञान उन्हें अपने गुरु से मिला। कबीरदास जी सच्चाई से राम के नाम लेने को महत्व देते हैं, क्योंकि राम का शरणागत हो जाने पर सब कुछ यथास्थान तथा सब कुछ ठीक हो जाता है। साधक का कार्य है वह राम के दरवाजे पर पड़ा रहे, उसकी खबर राम स्वयं लेंगे। इस प्रकार से कबीर की साखी में गुरु महिमा, नाम स्मरण, परमात्मा की सर्वव्यापकता, जीव की नश्वरता, प्रेम महिमा आदि का निरूपण किया गया है। कबीरदास जी ने अपनी साखी में ज्ञान और कर्म को महत्व को प्रतिपादित करते हुए भक्ति का समागम किया है। ईश्वर की सत्यता और सर्वव्यापकता का भी संदेश दिया है। उनकी भक्ति सार्वलौकिक सार्वभौमिक है। कबीर की भक्ति में मन साधना, मानसिक पूजा, मानसिक जप तथा सत्संगति का विशेष महत्व है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कबीर की साखी को उनके मन की भावों के साक्ष्य कहा जाता है। साखी के संबंध में कबीरदास जी ने स्वयं ही कहा है, साखी आखी ज्ञान की, समझ देखी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटती नाही। ठीक है, तो ये दोहा जो है बच्चों वो मैंने अपने से लिखा है। साखी के अर्थ के रूप में कबीरदास जी ने ही कहा है, और ये अगर आपको याद हो जाए तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इसे लिख सकते हैं। यदि नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इजीली दे सकते हैं। और जैसा कि बच्चों आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे कि कबीर का समाज सुधारक रूप बताइए, तो जब मैं आपको साहित्यिक परिचय बता रही थी तो उसमें मैंने समाज सुधारक रूप भी बताया, तो इस तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं। और साखी के जो भी उदाहरण हैं, आपके दोहे हैं, उसको उदाहरण देते हुए आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। या कबीर की भक्ति भावना अगर पूछ रहे हैं तो उसके संबंध में भी मैंने आपको साहित्यिक विशेषताओं में बताया है, उसको आप लीजिए, एक्सप्लेनेशन कीजिए कुछ दोहों की, और कुछ थोड़ा सा स्वयं से लिखिए, और एक क्रम बनाते हुए एक्सप्लेनेशन और साहित्यिक विशेषताओं का, और बीच बीच में आप उदाहरण देते चलिए दोहों की, और एक क्रम बनाते हुए आप प्रश्न का उत्तर लिखिए, तो आपको बहुत आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे आप। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप दोहों की जो व्याख्या है वो अच्छे से समझिए, और जो साहित्यिक परिचय है किसी भी कवि का उसे अच्छे से समझिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी तैयार हैं तो आप अब इस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं कि आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण के रूप में मैंने ये बता ही दिया है आपको कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपकी समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी जो मैंने आपको समझाई वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी साखी की जो व्याख्या है कबीरदास जी की वो कंप्लीट हो गई, और एक प्रश्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग आगे के जो पार्ट हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।